So wait. Thank you. Sir, wait, excited to see Newton. I've heard lots of wonderful things about it. I think it went to Berlin Festival earlier this year. It's the trailer looks amazing. It looks really fun. Obviously Rajkumar meri dost hai aur wo bahut acha actor hai and I think that, you know, I don't have a doubt that he'll have done a good job. But I also want to see the film. हाँ ट्रेलर देखी मुझे बहुत ही बहुत अच्छी लग रही है एज आई सेड आई थिंक इट्स ऑलरेडी गॉट अ ह्यूज रेपुटेशन फ्रॉम हैविंग गॉन टू बर्लिन फेस्टिवल द म्यूजिक इज ऑल्सो सपोज टू बी फैंटास्टिक सो या थैंक्स जल्दी करो यार जी सर क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में भाई रिव्यूज़ अभी तीन दिन से जो रिव्यूज़ आ रहे हैं ना वो देख के मतलब मेरा दिल मेरा कलेजा जो है ना चौड़ा हो गया कि भाई राजकुमार है एक तो फिल्म में और अमित मेरा प्रिय मित्र है और उनकी फिल्म मतलब दुनिया भर सराही गई है और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि फिल्म बहुत अच्छा करेगी जी 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 अरे बहुत बहुत सराहा गया फिल्म और मतलब फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी और जिस भारत में हम रह रहे हैं उसके लिए बहुत ही रेलिवेंट है फिल्म ये मेरी फिल्म नहीं है आप लोग मतलब बंदे ये बहुत बहुत लोगों को गलत फहमी हो रही है कि ये मैंने डायरेक्ट की अमित मसूरकर डायरेक्टर है इसमें राजकुमार है और राजकुमार का दोस्त और भाई होने के नाते मैं यहाँ फिल्म देखने आया हूँ सिमरन का क्या रिव्यूज़ आ रहा है सर उसके बारे में जानना चाहेंगे तो आप जानते हो तो फिल्म ने ठीक ठाक किया है बॉलीवुड से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं अच्छा है फिल्म ने अच्छा किया है बॉक्स ऑफिस पर उसके नंबर्स देखकर हम संतुष्ट हैं अलग फिल्म थी और उसका एक रिस्पॉन्स भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है काफ़ी एंकरेजिंग है और मैं फिल्म से बहुत खुश हूँ थैंक यू और सर अभी क्या आने वाला है सर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे अब आने वाला है हॉलीडे क्या बोलना है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म को बहुत अच्छे स्टार्स मिले अगर आप क्रिटिक्स का देखेंगे तो 4, 4.5, 5 तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑडियंस आ जाए फिल्म देखने राजकुमार राव की भी फिल्में अभी अच्छी चल रही हैं लास्ट 3-4 फिल्में जो चली हैं और पंकज त्रिपाठी भी है इसमें तो उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस आ जाए हॉल में अभी बॉलीवुड से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अगर आपने बॉलीवुड में अगर किसी को दिखाया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बॉलीवुड से काफ़ी सारे लोग इसको मैसेजेस भेज रहे हैं बोल रहे हैं कि अच्छी अच्छी फिल्म लग रही है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे न्यूटन इलेक्शन के बारे में है वैसे ही आप भी इलेक्शन की तरह इसको ट्रीट करें
जैसे हम इलेक्शन में कैंडिडेट को सोच समझ के वोट करते हैं, वैसे ही आप रिव्यूज पढ़िए, सोच समझ के सही फिल्म को वोट कीजिए। थैंक यू। लगता है कि मतलब लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा फिल्म के माध्यम से? मुझे पूरी उम्मीद है कि पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी कंटेंट ड्रिवन फिल्में चल रही हैं आजकल, आजकल वही चल रहा है, लोगों पसंद कर रहे हैं कुछ नया देखने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म लोग देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं मनीष मुंद्रा जी, तो हाँ बर्लिन में गए थे हम, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, वहाँ पे जो ऑडियंस थी उन्होंने हमको अवार्ड भी दिया, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मतलब फेस्टिवल वाली फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी फिल्म है जो आम लोग इंडिया में भी देख सकें। थैंक यू। Expecting anything. Everyone knows about the film. It's we have 4.5 stars. Everyone knows it's a brilliant film. It's said to be one of the best film of the year. How was the experience to working with all of them? Raj is the gem we know. We have him as one of our brilliant actor. Pankaj Bhaiya is one of the finest actor I have known. Raghuveer sir. And of course the brilliant Amit Masurkar and Mayank Tiwari. I have absolutely no expectations. I just know the film is brilliant and it's going to do wonders. How was the response coming to the end? How the response is coming from this movie after watching a trailer or reviews? It's unanimously great. I mean, even when we went to Berlin and when we finished the film, I used to talk about the film and I used to say to people that, okay, I'm not saying this because I'm part of the film, but it's a brilliant film. And now everyone is saying that it's a brilliant film, and especially the generation, the youth is accepting it and appreciating it. And from all the corners of the India, people are loving the trailer. The press has responded in a brilliant way. So that's, you have your verdict. Nowadays, Rajkumar has given a title that he is a method actor. Become a method actor like हमारे जो आमिर खान जी हैं, जिन्हें professionalist कहा जाता है, वो अपने किरदार को लेके, वैसे ही हमारे राजकुमार जी भी अपने किरदार को लेके बहुत खूबी और बहुत ही खूबी से निभाते हैं उसे। method actor का एक वो दिया गया है उन्हें, जैसे बोलते ना कि हर रोल को निभाने के लिए अगर उन्हें कोई रोल में घुसना पड़े तो घुस जाते हैं। I think Raj is great in whatever he does, so you should not call him as a method actor. He has his method and he's brilliant, so we should not put him in any label. So he will be brilliant in whatever he does and we just know that. Wish you all the best for the Thank movie. You so much. Thank you. Okay. Sir, straight. Raj. Raj, sir. Yo.
रोलिंग सो राजकुमार मतलब बहुत ही कम टाइम बचा है मूवी रिलीज होने में, किस तरह से नर्वसनेस रिस्पांस? Then yeah, I'm very happy and I'm very proud of the film and the kind of response we're getting, the kind of reviews we're getting, 4.5 star, 5 star, 4 stars, it's overwhelming, it's absolutely thrilling. Okay, aur maine dekha ki Shahrukh Khan ji ko zyada kuch pasand aayi hai movie, unhone tweet bhi kiya aapke. Yes, Shahrukh sir ne tweet kiya hai, kafi logon ne kafi support dikhaya hai aur film jo hai already international festivals mein kafi bade awards jeet ke laayi hai aur yahan par abhi acche reviews aa rahe hain. So now we are just looking forward to the release now. Okay, हमने आपकी आने वाली पिक्चर उमरता उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा है फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी, तो क्या कैसे देखते हैं इस एप्रिसिएशन को लोगों से जब मिलता है? वेल ऑफकोर्स खुशी होती है, यू नो काफ़ी मेहनत करके एक फिल्म बनती है, काफ़ी दिल से एक फिल्म बनाते हैं हम लोग और जब उसको लोग पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं तो बट नेचुरल ऑफकोर्स वो खुशी होती है उसके लिए. एक टाइम था मतलब जब आप आए थे इंडस्ट्री में तब आप पिक्चर आने का वेट करते थे, पिक्चर आ रही है तो चूज करने का वेट करते कि कब कौन सी पिक्चर चूज. हाँ वो थोड़ा सा उसको स्टेटमेंट को घुमा फिरा के पेश किया गया बेसिकली. हाँ पहले स्ट्रगल के लिए हम वो सिर्फ पहली फिल्म का वेट करते थे कि एक बार वो पहली फिल्म मिल जाए, पर अभी ऑफकोर्स यू नो अभी ऑप्शन है थोड़ा चूज करने के, तो उसमें से जो भी बेस्ट हमको मिलता है वी चूज दैट. फनी खान का क्या स्टेटस है अभी तक, कहाँ शूट? बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं हम लोग, शूटिंग शुरू हो गई, अनिल सर का शूट चल रहा है और मैं एक बार न्यूटन रिलीज क्योंकि रिलीज पे है तो न्यूटन खत्म करने के बाद प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी. वर्कशॉप्स हैं, रीडिंग सेशंस हैं, मैं ऐश्वर्या अनिल सर सब साथ में बैठेंगे, काम करेंगे और एंड देन विल स्टार्ट शूटिंग. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट गाइस. हाँ मैं यार एक मिनट रे. हाँ जी 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 पंकज जी, पिक्चर को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, चाहे वो फिल्म फेस्टिवल हो चाहे वो प्रेस के रिव्यूज़ हों, स्टार चार मिले हैं, कितना अच्छा प्राउड. काफ़ी एक्साइटेड हैं हम लोग, यही चाहते थे कि जब दुनिया में सराही गई है तो हमारे जब हिंदुस्तान में रिलीज हो तो लोगों को पसंद आए. क्रिटिक्स ने सराह दिया है, अब ऑडियंस की बारी है. ऑडियंस अक्सर कंप्लेन करती है कि बॉलीवुड अच्छी फिल्में नहीं देता है, हमने अच्छी फिल्म बनाई है, आइए आपको इंटरटेन करेंगे और आपकी दिमागी खुराक भी देंगे, मतलब इंटरटेनमेंट विथ ब्रेन ऐसी है न्यूटन. तो प्लीज़ आएँ आप लोग देखें, बहुत अच्छी फिल्म है, चार चार स्टार मिल रहे हैं. थैंक यू. आपकी पिक्चर बरेली की बर्फी के बारे में आपके किरदार की बात की जाए, न्यूटन में आपके किरदार को हमेशा लोगों ने सराहा, पसंद ये किया. बहुत अच्छा समय चल रहा है मेरे करियर के लिए कि मेरे हर रोल को लोग पसंद कर रहे हैं, हर रोल में कुछ यूनिक ढूंढ रहे हैं. थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना शुभेच्छा के लिए. गुड़गांव के बाद आप कौन सी आप सुपरहिट पिक्चर देने वाले हैं लोगों? न्यूटन है ये सुपर हिट होगी, फुकरे रिटर्न्स आएगी अभी, बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म बनी है वो भी. बाकी अभी तमिल फिल्म कर रहा हूँ काला रजनीकांत सर की, तो काफ़ी हैपनिंग है, चल रहा है. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. एक बाइक चेंज आप लाती है, रेडी? एक मिनट.